नमस्कार दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो भीगे हुए चने का सेवन हर दिन करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि इसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए और आने वाले समय में हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि भीगे हुए चने खाने के साथ आपको क्या नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, चना जो होता है वह सेहत का खजाना होता है। चने खाने से हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है, यह हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है। चने खाने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, चना खाने से हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ता है, साथ ही साथ यह हमारे पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। तो चना खाने के ढेरों सारे फायदे हैं, इसलिए हर दिन लोग चना खाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चने खाने के तुरंत बाद किन चीज़ों को आपको नहीं खानी है और अगर खानी भी है तो कितने देर बाद खानी है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों दूध। चने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना है, साथ ही दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें नहीं खानी है और नहीं पीनी है, क्योंकि चने और दूध दोनों ही हाई प्रोटीन होते हैं जो कि पचने में भारी होते हैं। तो यदि आप दोनों चीज़ों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपको कब्ज, स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम दे सकता है। तो जब भी आप चना खाएं तो दूध पीने के बीच में कम से कम एक घंटे का गैप जरूर रखें ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। हाँ, कई लोग चने के बाद दूध पी लेते हैं, शायद वे पचा भी लेते होंगे, लेकिन आने वाले समय में शायद उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। दूसरा, अंडा। दोस्तों, चने के साथ अंडे का सेवन ना करें, क्योंकि अंडा और चना दोनों में प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि पचने में भारी है। तो दूध की तरह अंडा भी कब्ज दे सकता है, आपको स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां भी दे सकता है। तो दोनों के बीच में कम से कम एक घंटे का गैप जरूर रखें। जैसे आप चना खाते हैं तो एक घंटे के बाद आप अंडा खा सकते हैं। नंबर तीसरा, अचार। चना खाने के बाद अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और चने के बाद खाना मतलब जहर बनने के बराबर होता है, जो पेट की बीमारियों के साथ साथ हार्ट की बीमारियों को भी बढ़ा सकता है। तो यदि आप चने का सेवन कर रहे हैं तो आप दो घंटे के बाद अचार खा सकते हैं। नंबर चौथा, करेला। चने के साथ दोस्तों कहा जाता है कि करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही ऑक्साइड करेले में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि भीगे हुए चने में ऑक्साइड लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन करेले में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह हमारे शरीर में जाकर जहर बना सकता है और जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है जो बाद में बीमारी कर सकता है। यदि आप भीगे हुए चने खाते हैं और आपके घर में सुबह सुबह करेले की सब्जी बनी हुई है तो कम से कम दो घंटे बाद ही करेले की सब्जी खाएं ताकि चना डाइजेस्ट हो जाए और आपको कोई बीमारी न हो। तो भीगे हुए चने में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए के अलावा फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमें कई खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही साथ सुबह खाली पेट भीगे चने खाने से आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। तो भीगा हुआ चना बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप इसे ज़रूर खाएं, लेकिन अचार, करेला, दूध, अंडा के साथ इसे नहीं खाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे चना खाने के साथ क्या नहीं खाना चाहिए इसके जानकारियाँ दिया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।